गाइज़, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, दिस इज़ स्लीप गर्ल। सो आप सोच रहे होंगे मैं इतनी सैड की हूँ। एक्चुअल में बस जो जिसमें मुझे जाना था वो चले गई है, और मम्मी ने कहा था कि हम गाड़ी में जाएंगे तो गाड़ी भी चली गई है, और मैं भी लिफ्ट का वेट कर रही हूँ। सो फाइनली गाइज़, हमें लिफ्ट मिल गई और अब मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं तो मैं बहुत ही सैड हो गई थी। सो गाइज़, ये रही लाइब्रेरी, अरसू में ही है और काफ़ी सुंदर है, सब कुछ है यहाँ पे, बैठने के भी लिए भी बहुत अच्छा है। सो गाइज, आप आ सकते हो अगर आप नियर बाय रहते हो कहीं। Cause your sky full of stars, I'm gonna give you my heart. सो गाइज, मेरी मम्मी के लिए लाइब्रेरी बहुत स्पेशल है, वो बहुत पहले से लाइब्रेरी बनाना चाहते थे और वो आपसे कुछ कहना भी चाहते हैं, तो आप ये वीडियो देखो। जो ज्ञान केंद्र अरसू में जितने भी छात्र वहाँ पे उपस्थित होंगे, मैं उन सभी को शुभकामनाएं, एक हार्दिक बधाई देती हूँ, क्योंकि वो जो भी कंपटीशन होगा उसमें वो भाग लें, और वो भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि उन बच्चों को सफलता मिले। धन्यवाद। वाह, मम्मी की स्पीच बहुत ऑसम। सो गाइस, ये है मम्मी के दिल से जो विचार है, क्योंकि मम्मी ने लाइब्रेरी इसीलिए बनाई है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके, क्योंकि गांव में यार घर में नहीं पढ़ाई होती, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी एक गांव से हूँ। इसीलिए लाइब्रेरी इज़ अ वेरी नाइस ऑप्शन। सो आई होप आप सब लाइब्रेरी आओ और पढ़ो, पढ़ाई करो। सो गाइस, कई बार हम खुद को इतनी टेंशन दे देते हैं ये सोच के कि क्या हम सफल होंगे, क्या हम असफल हो जाएंगे, और भी बहुत कुछ। पर गाइस, श्री कृष्ण कहते हैं कि बस तुम कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो मैं आपको भी वही बोलूँगी, आप बस अपना कर्म करो और सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। हे गाइस, तो मैं वापस आ गई हूँ और मम्मी और चाची चले गए मुंडन में। मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे ज़्यादा फंक्शन में जाना, तो मैं नहीं गई, यहीं गांव पे है वो फंक्शन। तो फिर अभी मैं चल रही हूँ अपने घर की ओर, मम्मी ने मेरे पास सामान पकड़ा दिया है और फिर मैं इसको लेके भी जा रही हूँ। और साथ में मेरा आज का दिन बहुत ही प्रोडक्टिव था, मतलब मज़ा आ गया आज। मतलब मैं और भी पढ़ सकती थी पर मुझे और भी थोड़े काम कराने थे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी निकल गई लाइब्रेरी से। और गाइस, अगर मैं आपको बताऊँ मौसम, तो क्या ही बोलूँ यार, मौसम का आसमान देखो कितना सुंदर हुआ है, एक भी बादल नहीं दिखेगा आपको। तो मौसम तो काफ़ी अच्छा है, पर गर्मी भी है साथ में, पर इतनी भी नहीं है कि मतलब सहन नहीं कर सकते। अब मैंने धूप से बचने के लिए स्कार्फ पहना हुआ है, बाकी इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं, मतलब अभी मेरे को नहीं लग रही है इतनी ज़्यादा, पर अगर धूप में बहुत चलना पड़े तब तो बहुत लगती है यार। गाइस, मैं यही बोलूँगी, जो भी अरसू के आसपास है, अगर कोई मतलब घर में जिसको प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, हो जाती है बहुत सारी बातें अगर घर पे नहीं पढ़ा जाता, तो तुम आ सकते हो लाइब्रेरी, बहुत अच्छा ऑप्शन है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, तो तुम आ सकते हो। क्योंकि मैं भी आज गई, तो मेरे को पर्सनली अच्छा लगा वहाँ पर जाना, और मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी। बस मैं पहुँच गई हूँ अपने घर पर। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड खुश रहो, हंसते रहो, पॉजिटिव रहो। बाय।